हे स्टूडेंट्स वेलकम बैक हम लोग एन सी आर टी साइंस क्लास एट चैप्टर फाइव कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ रहे थे इससे पहली वाली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था एंड साथ में ही हमने कोल के बारे में पूरा पढ़ लिया था अब इस वीडियो में हम लोग पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे पेट्रोलियम यू नो दैट पेट्रोल इज़ यूज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एस मोटरसाइकल्स स्कूटर्स एंड कार्स हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर रन ऑन डीजल पेट्रोल एंड डीजल आर ऑप्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग डेली लाइफ में फ्यूल्स यूज़ करते हैं ना ऑटोमोबाइल्स में मतलब गाड़ियाँ जो भी चलती है उसमें फ्यूल डलता है वो फुल फ्यूल क्या होता है मोटरसाइकिल हो गया कार हो गया या स्कूटर हो गया इन सब चीज़ों में हम लोग पेट्रोल डालते हैं और वहीं पर जो हैवी व्हीकल्स होती हैं आपकी वहाँ पर हम लोग डीजल यूज़ करते हैं जैसे ट्रक या ट्रैक्टर में तो ये जो पेट्रोल और डीजल हैं वो एक नेचुरल सोर्स से बनती हैं और उस नेचुरल सोर्स को बोलते हैं पेट्रोलियम ये जो वर्ड है ना पेट्रोलियम वो डिराइव हुआ है इस वर्ड से पेट्रा जिसका मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल तो पेट्रोलियम इस वर्ड से आया है जिसका मतलब क्या हो जाएगा रॉक्स अंडर सॉरी ऑयल ऑप्टेंस फ्रॉम रॉक ठीक है तो ये रॉक कहाँ पे होता है अंडर द अर्थ जो कि आपके फिगर 5.4 में शो किया है ये आपका फिगर 5.4 है इसमें शो करा है आपको रॉक्स के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे और उस रॉक के अंदर में आपको ऑयल प्रजेंट ये जो दिख रहा है ना ये ये डॉटेड लाइन वाला पोर्शन ये रॉक है और इसके अंदर यहाँ पे जो ये है प्रेजेंट ये आपका वो ऑयल है जिसको पेट्रोलियम बोलते हैं ये एक्सट्रैक्शन किया जाता है इसको यहाँ से बाहर निकालते हैं और उसी से हम लोग फिर पेट्रोल और डीजल बनाते हैं और उसको यूज़ करते हैं गाड़ियों में ठीक है अब इसके बाद आगे देखते हैं पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्राम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी एज दिस ऑर्गेनिजम्स डाइड देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विथ लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले Over millions of ईयर absence of air, high temperature, high pressure transformed the dead organisms into petroleum and natural gas. मतलब क्या हुआ कि पेट्रोलियम जो है वो कहाँ पे मिलता है हम लोग को वो कहाँ पे बनता है वो सी के नीचे बनता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ना पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉरी ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी पेट्रोलियम उन ऑर्गेनिजम्स से बना है जो कि समुद्र में रहते हैं सी में ठीक है जब ये ऑर्गेनिज़म्स डेड हो जाते हैं उनके मरने के बाद क्या होता है जो उनकी बॉडी है वो सी के एकदम बॉटम में जा के सेटल हो जाती है और सेटल होने के बाद क्या होता है उसके ऊपर सैंड और क्ले का लेयर जमता जाता है अब जैसे जैसे उसके ऊपर लेयर जमता जाएगा तो उसको एयर नहीं मिलेगा और साथ ही साथ में उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा और टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा और इसी प्रोसेस के वजह से वो ट्रांसफॉर्म क्या हो जाते हैं डेड ऑर्गेनिज़म्स पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं look at figure 5.4 it shows the deposits of petroleum and natural gas you see that the layers containing petroleum oil and gas is above that of water why is it so recall that oil and gases are lighter than water and do not mix with it क्या करना है आपको यहाँ पे बोल रहा है कि जो फिगर है 5.4 इसको फिर से देखेंगे और इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे आपका जो ऑयल है ना ऑयल है और गैस है वो कहाँ पे है वाटर के जो लेयर है यहाँ से वाटर का लेयर है ना नीचे वाला पूरा तो वाटर का जो लेयर है इसके ऊपर में हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है क्या ऑयल भी और गैस भी ये क्यों हो रहा है क्योंकि हम लोग को पता है कि ऑयल जो होता है वो वाटर से लाइटर होता है फ्लोट होता है ना उसके ऊपर और जो गैस है वो उससे भी ज़्यादा लाइट होता है तो वो उसके भी ऊपर रहेगा इसलिए हम लोग को जब ज़मीन के नीचे भी इसका डिपॉजिट देखते हैं तो वाटर के ऊपर हम लोग को ऑयल मिलता है और ऑयल के ऊपर हम लोग को गैस मिलता है अब आगे देखते हैं द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल वॉस ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया यू एस ए इन एटीन फिफ्टी नाइन एट ईयर्स लेटर इन एटीन सिक्सटी सेवन ऑयल वॉस ट्रक एट मकूम इन आसाम इन इंडिया ऑइल इज़ फाउंड इन आसाम गुजरात मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसेंस ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फर्स्ट ऑयल वेल जो हम लोग ड्रिल किए थे पहला जो ऑयल वेल well ड्रिल करके निकला था वो आपका कहाँ पे निकला है पेंसिल्वेनिया यू में कब 1859 में और उसके बाद में एट ईयर्स के बाद 1867 में हम लोग को कहाँ पे मिला मकूम आसाम में और इंडिया में जो ऑयल का डिपॉजिट है वो हम लोग को आसाम गुजरात मुंबई हाई और रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा में मिलता है ठीक है रिवर बेसिन्स यानी कि आपकी नदी जैसे यहाँ यहाँ से बहती है तो उसके बीच का जो पोर्शन बचता है ना वहाँ पे तो गोदावरी और कृष्णा रिवर के बीच का जो पोर्शन है वहाँ पे हम लोगों को ऑयल के डिपॉजिट देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट आता है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड इट हैज़ अनप्लेजेंट ऑर्डर इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सॉरी ओडर इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सच एज पेट्रोलियम गैस पेट्रोल डीजल लुब्रिकेटिंग ऑयल पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा पेट्रोलियम क्या है वो एक डार्क ऑयली लिक्विड है जिसका कि बहुत ही अनप्लेजेंट ऑर्डर होता है मतलब बहुत ही बकवास सा स्मेल और उस वो क्या है बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंट्स से मिलके बना हुआ है जैसे कि यहाँ पे क्या कह दिया पेट्रोलियम खुद उस पेट्रोलियम गैस मतलब और उसके बाद पेट्रोल फिर डीजल फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल और पैराफिन वैक्स ये सारी चीज़ें जो हैं वो पेट्रोलियम में मिक्सड रहती हैं अब हम लोगों को उससे निकालना है पेट्रोल अगर तो बाकी चीज़ों को तो सेपरेट करना पड़ेगा या फिर अगर डीजल निकालना है तो बाकी सबसे उनको सेपरेट करना पड़ेगा तो उसके लिए करना पड़ता है रिफाइनिंग रिफाइनिंग के लिए क्या दिया है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिटुंट्स फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज़ नोन एज रिफाइनिंग इट इज़ कैरिड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी क्या बोल रहे हैं कि जो कित जो भी कॉन्स्टिटुएंट्स प्रजेंट है हमारी पेट्रोलियम में उन सब को सेपरेट करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफाइनिंग और ये रिफाइनिंग पेट्रोलीम रिफाइनरीज में होती है ठीक है वो प्लेस है जहाँ पर पेट्रोलीम को रिफ़ाइन किया जाता है इसलिए उसका नाम दिया है पेट्रोलियम रिफाइनरी और उसके बारे में क्या लिखा है वेरियस कॉन्स्टिट्यूवेंट्स ऑफ पेट्रोलीम एंड their यूजेस आर गिवन इन टेबल 5.1. अब यहाँ नीचे एक टेबल दिया है 5.1. इसमें बताया है कि पेट्रोलियम में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती है और उसका कहाँ कहाँ पे यूज़ आता है ठीक है पहला आपका दिया है पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म एल पी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो बोलते हैं वही है वो कहाँ पर यूज़ होता है जो गैस सिलेंडर्स नहीं आते जिसमें खाना बनता है वो वाला है फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री ठीक है एल पी जी वहाँ पर यूज़ होता है सेकेंड है पेट्रोल पेट्रोल कहाँ पर पे यूज़ होगा ऑब्वियसली मोटर फ्यूल है वो तो वहाँ पर यूज़ हो रहा है मतलब गाड़ियों में उसके बाद एक्टिवेशन फ्यूल है सॉलवेंट फॉर ड्राइंग क्लिनिंग ड्राई क्लीनिंग के लिए जो सॉल्वेंट यूज़ होता है वो भी आपका पेट्रोल ही है उसको ही यूज़ करते हैं ड्राई क्लीनिंग के लिए उसके बाद पेट्रोलियम में प्रेजेंट होता है कैरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल वो कहाँ कहाँ पे डलता है स्टोव्स में उसको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं लैंप जलाने में यूज़ करते हैं और जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई में भी यूज़ होता है ठीक है इसके बाद आता है डीजल डीजल जो है वो हैवी मोटर व्हीकल्स में हम लोग डालते हैं और साथ ही साथ में इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में इसके बाद है ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल ऑब्वियसली उसका काम है लुब्रिकेशन और उसके बाद है पैराफिन वैक्स इसका काम होता है ऑइंटमेंट्स बनाने में मतलब वो जो मरहम लगते हैं ज़ख्म वगैरह पे या किसी भी चीज़ पे जो मरहम लगते हैं वो आपका पैराफिन वैक्स से बनता है कैंडल जो है मोमबत्ती वो भी वैक्स ही है आपका और वैसलिन भी बनता है पैराफिन वैक्स से इसके बाद आता है बिटूमैन और इसको हम लोग पहले भी पढ़े थे कि ये पेंट में और रोड सरफेसिंग में यूज़ होता है रोड्स वगैरह बनाने में तो ये सारे आपके पेट्रोल के पेट्रोलियम के जो कॉन्स्टिटूंट्स थे उसके नाम और उसके यूजेस हो गए अब आता है यहाँ पे एक और फैक्ट दिया हुआ है मेनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑप्टेन फ्राम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस दीज आर टर्म एज पेट्रोकेमिकल्स पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से जो सब्सटेंसेस बन के आ रहे हैं केमिकल्स हैं वो बन के आ रहे हैं उनको ऑब्वियसली क्या बोलेंगे पेट्रोकेमिकल्स दीज आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स फाइबर्स पोलीस्टर नाइलोन एक्राइलिक एक्सेट्रा पॉलीथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक्स और जो ये सारी जो मैन्युफैक्चर करके हम लोग लेकर के आ रहे हैं जो डिटर्जेंट्स बनाने में काम आते हैं और फाइबर्स बनाने में काम आते हैं पॉलीथीन बनाने में काम आते हैं और दूसरे मैन मेड प्लास्टिक्स जो भी हैं वो सब बनाने में काम आता है हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑप्टेन होता है नेचुरल गैस से तो इसलिए हाइड्रोजन गैस का फिर हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स बनाने में जैसे कि यूरिया यूरिया बनाने में हाइड्रोजन गैस का यूज़ होता है तो ये हाइड्रोजन गैस भी आपका कहाँ से आ रहा है पेट्रोलियम से ही निकल के आ रहा है नेचुरल गैस से सॉरी नेचुरल गैस से निकल के आ रहा है और ड्यू टू तो इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस पेट्रोलियम इज़ ऑलसो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड और क्योंकि हम देख लिए कि कॉमर्शियली वो कितना इंपॉर्टेंट है कॉमर्स की बात हो रही है मतलब पैसे की और ऑब्वियसली डीज़ल एंड पेट्रोल से और नेचुरल गैस से गवर्नमेंट को बहुत पैसा मिलता है तो इसलिए इकोनॉमिकली क्या है पेट्रोलियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं हम नेक्स्ट आता है आपका नेचुरल गैस नेचुरल गैस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स नेचुरल गैस क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्यूल है क्योंकि पाइप से बहुत ईजिली उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है एंड नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस सी एन जी ये वर्ड आप लोग पहले भी सुने होंगे कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस इसी नेचुरल गैस को जब हाई प्रेशर में कंप्रेस करके रखा जाता है तो इसको कंप्रेस नेचुरल गैस बोलते हैं और इसका यूज जो है वो पावर जनरेशन में होता है और आजकल इसको और कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज़ अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिकॉज इट इज़ लेस पोल्यूटिंग इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल तो क्या होता है कि आजकल की गाड़ियाँ भी जो है उसमें सी यूज़ होता है कंप्रेस नेचुरल गैस क्योंकि ये क्या है लेस पॉल्यूशन क्रिएट करता है ये क्लीनर फ्यूल है अब इसके बाद आते हैं एडवांटेजेस ऑफ सी एन जी इट हैज़ अ ग्रेट एडवांटेज Sorry a great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories where it can be supplied through pipes such a network of pipelines existing in Vadodara Gujarat some parts of Delhi and other places सी का एडवांटेज कहाँ पे दे रहा है कि इसको हाउस और फैक्ट्रीज में पाइपलाइन से सप्लाई करके डायरेक्टली बर्न कर सकते हैं तो वहाँ पे ये बहुत इजीली काम आ जा रहा है और साथ ही साथ में इसके जो पाइपलाइंस हैं वो हम लोग को कहाँ देखने मिल रहे हैं वडोदरा गुजरात में और दिल्ली के भी बहुत सारे प्लेसेस में हम लोग को ये कुछ प्लेसेस में दिल्ली के और बाकी अदर प्लेसेस में हम लोग को सी के पाइपलाइंस देखने के लिए मिलते हैं नेचुरल गैस इज़ ऑलसो यूज एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्वस ऑफ नेचुरल गैस इन अवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा राजस्थान महाराष्ट्र एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा नेचुरल गैस जो है वो एक स्टार्टिंग मटेरियल है बहुत सारी अदर केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए और इंडिया में बहुत सारे रिज़र्व्स आपको देखने के लिए मिलते हैं नेचुरल गैस के रिजर्व्स मतलब वो प्लेस है जहाँ पे नेचुरल गैस को स्टोर करके रखा जाता है और वो इंडिया में आपको त्रिपुरा में राजस्थान में महाराष्ट्र में और कृष्ण गोदावरी डेल्टा पे देखने के लिए मिलेगा इसके बाद आपका दिया है नेक्स्ट है सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड मतलब कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसी हैं जो कि लिमिटेड है यू हैव स्टडीड इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्स आर एग्जॉस्टेबल लाइक फॉसिल फ्यूल्स फॉरेस्ट मिनरल्स मतलब चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे कि कुछ नेचुरल रिसोर्स ऐसी हैं जो कि एग्जॉस्टेबल हैं जो ख़त्म हो जाती है जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गई फॉरेस्ट हो गया मिनरल्स हो गया यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स और कोल और पेट्रोलियम भी क्या है फॉसिल फ्यूल्स हैं और फॉसिल फ्यूल्स तो खत्म हो जाती है ना तो इट रिक्वायर द डेड ऑर्गेनिजम्स मिलियन ऑफ ईयर टू गेट कन्वर्टेड इन टू दिस फ्यूल्स कैसे बन रहा था फॉसिल फ्यूल जो डेड ऑर्गेनिज़म्स थे वही डिकम्पोज होकर बन रहे थे तो इनको डिकम्पोज होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं वहीं दूसरी तरफ क्या होते हैं जो रिज़र्व्स हैं वो बहुत ही कम है हम लोग के पास बचे हुए बहुत ही कम रिज़र्व्स हैं बचे हुए क्या है ही बहुत कम क्योंकि इतने इतने टाइम में बन रहा है तो कितना स्टोर करके रख पाएंगे ना यूज़ भी उतना ही है और प्रोडक्शन स्लो है तो अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन स्लो है तो कंजम्पशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसका क्या हो जाएगा आपको कमी मिलेगा इसलिए क्या होता है कि इसकी हम लोग को जो एग्जॉस्टेबल फ्यूल्स इनको बोल सकते हैं जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनको एग्जॉस्टेबल बोलते हैं ठीक है और क्या है कि ये फ्यूल जो है वो मेजर एयर पोल्यूशन भी कॉज करते हैं जब इन फ्यूल्स को हम लोग जलाते हैं ना तो एयर पोल्यूशन बहुत होता है इससे देयर यूज़ इज़ ऑल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग अब एयर पॉल्यूशन हो रहा है साथ ही में जलाने से ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दिस फ्यूल्स ओनली वेन एबसोल्यूटली नेसेसरी इसलिए हम लोगों को ये फ्यूल सिर्फ तभी यूज़ करना चाहिए जब इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वामेंट स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देर अवेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो क्या है कि अगर हम लोग इसको सिर्फ ज़रूरत भर ही यूज़ करेंगे तो इस हमारी इन्वायमेंट के लिए भी अच्छा होगा साथ ही साथ में ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होगा और लॉन्ग पीरियड के लिए अवेलेबल भी रहेगा इन in इंडिया पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एडवाइस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग दैर टिप्स आर इंडिया में जो एक पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है जो कि पीपल्स को एडवाइस करता है कि पेट्रोल या डीजल को ड्राइविंग के टाइम पे कैसे सेव किया जा सकता है उसके कुछ टिप्स यहाँ पे दिए हुए हैं जैसे ड्राइव एट अ कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज़ पॉसिबल यानी कि जितनी दूर तक हो सके हम लोग को एक कॉन्स्टेंट स्पीड पर ही चलना चाहिए मतलब बार बार फ्लक्चुएट नहीं कर रहे हैं ऐसे में डीजल पेट्रोल ज़्यादा जलता है तो एक कॉन्स्टेंट स्पीड में चलेंगे दूसरा स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट जिस जगह पे हमको वेट करना है या फिर ट्रैफिक लाइट है तो उस जगह पे हम लोग को इंजन को ऑफ कर देना चाहिए ऐसे में वहाँ पे फ्यूल बर्न नहीं होगा एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर टायर का प्रेशर करेक्ट होना चाहिए उसके वजह से भी फ्यूल ज़्यादा बर्न होता है एंड एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल मतलब गाड़ियों का रेगुलर मेंटेनेंस कराना चाहिए तो इससे भी क्या होगा आपका फ्यूल कम बर्न होगा अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है यहाँ पे कुछ वी हैव लर्नड कुछ जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या कह दिया हुआ है कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और फॉसिल फ्यूल्स कोल पेट्रोलियम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस क्या है फॉसिल फ्यूल्स है फॉसिल फ्यूल्स व फॉर्म फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो फॉसिल फ्यूल्स कैसे बने थे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो बहुत पहले मर चुके हैं उनके उन उन ऑर्गेनिज़म्स से ये बनता है डिकम्पोज होकर के ठीक है फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टेबल सोर्सेज फॉसिल फ्यूल्स कैसे हैं जो एग्जॉस्ट हो जाएंगे ख़त्म हो जाने वाले सोर्स हैं और कोक टार एंड कोल गैस आर प्रोडक्ट्स ऑफ कोल कोक कोल्टारा और कोल क्या है कोल गैस क्या है कोल से बन रहा था वहीं पेट्रोलियम गैस पेट्रोल डीजल कैरोसिन पैराफिन वैक्स और लिबिकेटिंग ऑयल ये सारा पेट्रोलियम रिफाइनिंग से ऑप्टेन होता है कोल और पेट्रोलियम रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हैं और इसलिए हम लोग को उसको जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए मतलब सोच समझ करके खर्च करना चाहिए आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे टोटल सॉरी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे टोटल नाइन क्वेश्चन है जो कि एक वीडियो में कम्प्लीट हो जाएगा उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था सॉरी इस चैप्टर का इससे पहले वाला पोर्शन हमने जिस वीडियो में पढ़ा था वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग